तो पिछली वाली वीडियो में मैंने 3 दिन लगाकर नेदर में जो एक काफ़ी ज़रा बड़ा सर्कल को ट्रेन करा था, एंड आज मैं उसी सर्कल को कन्वर्ट करने वाला हूँ ओवर वर्ल्ड के अंदर। एंड ऐसी वीडियो बनाने में को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो नहीं टाइम एंजॉय द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे को ना स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई है। सो सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ कि स्टोरेज रूम, जो कि मैं बहुत सारा बेसल्ट लाया था जब मैंने ओशन मतलब लावा ओशन को ड्रेन करा था। सो बेसल्ट से मैं पूरा नेदर की थीम वाला थोड़ा बहुत मैं बनाने वाला हूँ। बट हाँ, अभी एक टेम्प्रेरी बनाने वाला हूँ, जो ज़्यादा कोई डेकोरेशन वगैरह मैं नहीं करने वाला हूँ। पूरा एक टेम्प्रेरी होगा जहाँ पर मेरे को थोड़े बहुत चेस्ट वगैरह रख पाऊँ, क्योंकि यार मेरे घर में जो चेस्ट ना पूरी भर रखी है। सो मेरे को थोड़ा बहुत जगह चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। एंड तुम लोग भी बोलते रहते हो कि स्टोरेज रूम बनाओ, सो आज मैं जल्दी से उसको बना लेता हूँ एंड जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो अभी हम लोग का जो स्टोरेज रूम है वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा हम लोगों को थोड़ा फ्रंट से दिखाता हूँ, एंड थोड़ा बहुत गेम लैग ही हो जाता है, मतलब जब शुरुआत में मैं करता हूँ, मतलब गेम बंद करके मैं चालू करा था। सो जैसे वर्ल्ड अभी लोड होगी, चंग वगैरह तो थोड़ा बहुत लेग होगा। एंड बाकी तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से बनाया है, एंड भी थोड़ा बहुत बाकी मतलब पूरा नहीं बनाया, मैं अंदर थोड़ी बहुत चेस लगाई है, क्योंकि मैं जितनी वुड लाया था वो सारी वुड खत्म हो गई। बाकी तुम लोग देखते हो कुछ इधर से मैंने अंदर से बाहर से मतलब कुछ ऐसा लुक दिया है, एंड अंदर से कुछ इस तरह से फ्लोरिंग वगैरह भी करनी है बाकी। सो वो मैं बाद में कर दूंगा, अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को जैसा बताया मैं टेम्परेरी बनाया अभी मैंने, तो इसकी डेकोरेशन वगैरह बाद में करने वाला हूँ। सो यहाँ पर सेंटर में मैंने कुछ सीढ़ियाँ रख दी है, ताकि जिससे हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में जा सकें। सो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे जाएंगे ऊपर, काफ़ी छोटी सीढ़ियाँ मुझे पता है, बट हाँ जहाँ पर जगह मिली मैंने वहाँ पर बना दी। सो यहाँ पर अटक अटक के जाना पड़ता है, जल्दी से ऊपर चलते हैं। एंड बाकी तुम लोग इससे ऊपर का भी एक रूम बन जाएगा छोटा छोटा सा, जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फर्नेस वगैरह, दूसरी क्राफ्टिंग टेबल्स वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर। एंड छोटा सा रूम यहाँ पर हम लोग का ये भी हो जाएगा। सो अभी हम लोग का ये तो काम हो गया, बट अभी जो मेन काम आता है कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का नेदर टू ओवर वर्ल्ड। सो अभी हम लोग जल्दी से उसको काम को स्टार्ट कर देते हैं। बट सबसे पहले मेरे को उसके लिए ना बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड डर्ट से हम लोग को उसके सबसे पहले मैं उसके बेस में डर्ट लगाऊंगा, देन फिर सारा सामान कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले सारे शेल्कर बॉक्स कलेक्ट करता हूँ एंड बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी काफ़ी ज़्यादा डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ नेदर के अंदर, एंड मैं थोड़े बहुत कोबलस्टोन भी लेके आ गया, क्योंकि तो तुम लोगों को पता हो खाई डर्ट के तो ओवर वर्ल्ड में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओवर वर्ल्ड से थोड़े बहुत मैं माउंटेन वगैरह का शेप देने वाला हूँ, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। एंड यहाँ पर मैं छोटा सा हाउस भी बनाने वाला हूँ। एंड भाई ये घास अटैक कर दिया, लिटरली मेरे को इतना डर लगा था इस टाइम। अभी तो फिलहाल मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बट मेरा अगर शेल्कर वगैरह चला जाता ना, तो भाई इन घास की मैं ऐसी की तैसी कर देता, मतलब लिटरली भाई मैं नैदर में जी रहा हूँ इतने दिन हो गए, एंड इन घास से बहुत ज़्यादा पंगा हुआ है मेरा। सो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करा इन्होंने, तुम लोगों को तो पता ही होगा। वो तो अच्छी बात है मेरे पास इलाइट है, तो मैं उड़ उड़ के इनको मार देता हूँ। बाकी मेरा वो भी लावा में गिर गया था एक बार गलती से, मैं बना रहा था वो। सो अभी उससे हम लोग मार सकते हैं, फिलहाल इन सबको छोड़ो, अभी हम लोग डायरेक्टली डर्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा देर बाद यहाँ पर मैंने डर्ट वगैरह कंप्लीट कर दिया, बट यार ये मैग्मा क्यूब्स ने भी दिमाग ख़राब करके रख रखा है यहाँ पर, मतलब लिटरली भाई सिर पे आकर मारने लग जाते हैं। सो उनसे भी दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी फिलहाल तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, बट अब आई जाती है यहाँ पर थोड़ा बहुत और चीज़ें बनाने की। तो सबसे पहले मैं एक पॉन्ड बनाने वाला हूँ। अब तुम लोगों को तो पता होगा नैदर के अंदर हम लोग वाटर वगैरह डाल नहीं सकते हैं। सबसे पहले एक पॉन्ड बनाने वाला हूँ, सो डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। तुम लोग टाइमलेस में दे दो, देखो कि कैसा मैं पॉन्ड बनाने वाला हूँ। ओके,
केस यहाँ पर तो दोस्तों कुछ इस तरह से पॉन्ड बना दिया है। यहाँ पर मैंने वाटर के लिए यहाँ पर मैंने ग्लास लगा दिया है, जो कि थोड़ा बहुत वहाँ पर वाटर का टेक्सचर आ रहा है। बाकी अभी तो खाली पॉन्ड बना है। अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने वाला हूँ। एंड आई लिटरली मेरे को पहले नहीं पता था कि यहाँ पर नेदर के अंदर ग्रास फैलती नहीं है, मतलब ये पूरी मतलब डर्ट ही डर्ट हो रखी है यहाँ पर, पूरी ग्रीन ग्रास होगी नहीं। सो मेरे को और थोड़ी बहुत ग्रास लानी पड़ेगी बाद में और लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। सो ये जो भी फालतू का सामान है मैं यहाँ पर खाली करता हूँ, एंड जो काम की चीज़ें उनको लेता हूँ, एंड डायरेक्टली हम लोग घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो काफ़ी सारी देर के बाद हम लोगों ने हम लोग का हाउस एकदम कंप्लीट कर दिया है। एंड दोबारा से गास्ट, रियली भाई सीरियसली दोबारा से गास्ट आ गई। उड़ो दोबारा से इनको मारो। एंड ज़्यादातर रॉकेट तो भाई मेरे यहाँ पर ही खत्म हो गए इन गास्ट गास्ट को उड़ के मारते हुए। एंड भाई ये देखो तुम लोग, यहाँ पर मरते मरते बचा था, लिटरली पीछे से पिगली ने लगा गया, मैं इस पर टपका था एंड मैं लिटरली हाफ हर्ट पे बचा हूँ। लिटरली भाई मैं मर जाता अभी, मेरा सारा सामान लावा में गिरता। बाकी यहाँ पर हम लोग आराम से लैंड करते हैं, मैं तुम लोग को घर वगैरह बताता हूँ। एंड अभी जल्दी थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह बढ़ने देते हैं, वरना नीचे पता बड़ा मैग्मा क्यों हम लोग का इंतजार कर रहे हैं। एंड भाई देखो एक और घास आ गई यहाँ पर, अब इनको और निपटाओ। सो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पूरा घर बन चुका है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर मैं सोच रहा था ऊपर बनाने की, बट हाँ फिर मैंने सोचा रहना दो। सो कुछ इस तरीके से हम लोग का घर बन चुका है। ज़्यादा कुछ इसमें भी मैंने एडिशन नहीं करी है, क्योंकि डेकोरेशन का मेरे पास सामान ही नहीं है। लिटरली मेरे को कुछ घर के डेकोरेशन करने का कुछ है ही नहीं, मज़ा ही नहीं आता मेरे को। मैं नॉर्मल से घर बना देता हूँ बिल्ड वगैरह। बाकी तुम लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर खिड़की रखी थी, ग्लास खत्म होगा इसको बंद कर देते हैं, वरना फिर घास की अंदर से तूफानी आ जाएगी। जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर तुम लोग देखो घर। एंड भाई डिसअपीयर हो गई डर की। सो देख सकते हो कुछ इस तरह से हम लोग घर बन चुका है। सो अभी हम लोग आगे काम स्टार्ट करते हैं। एंड जिन लोगों को लग रहा है ना कि यही है ट्रांसफॉर्मेशन, तो भाई असली ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी स्टार्ट होगी। ओके तो यार फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद मैंने हम लोग के सर्कल को ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा नेदर के अंदर, मतलब ओवरवर्ल्ड के अंदर। सो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, ये रहा पूरा हम लोग का लास्ट मतलब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। बट हाँ कुछ कुछ पेड़ है जो जल रहे हैं, आई डोंट नो नेदर के अंदर ये पेड़ जलते हैं, बट सारे तो नहीं जल रहे, बट कोई कोई मैं उगा रहा हूँ कॉर्नर पर, सो वो वाले जल रहे हैं। बाकी मैं तुम लोगों को इस साइड से भी दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में। ये साइड से मेरे को करना है, साइड साइड में थोड़े बहुत छोटे छोटे माउंटेन बनाए, एक वाटर फ्लो भी बनाया। एंड भाई लिटरली नेदर में मैं कभी ना कभी फिसल ही जाता हूँ इलाइट ट्राई यूज़ करते हुए भी। भाई तुम लोग देखते हो ये मैग्मा वगैरह राज कर रहे हैं यहाँ पर मस्त, पिघलिन अपना ऐश कर रहे हैं यहाँ पर बेस देख के। सो तुम लोग इसे कुछ इस तरह से मैं इस फाउंटेन को बनाया था ग्लास पेन से, एंड यहाँ पर मैंने तो ट्री उगा दी है। एंड कुछ इस तरह से मैंने माउंटेन बनाया। बाकी हर में तो ग्रास नहीं लगा पाया क्योंकि मेरे जो शॉवल में सिल्क टच थी वो वाला टूट गया था बीच में जब मैं सैंड कलेक्ट करा था, तो मैंने दूसरा बनाया था तो उसमें मेरे को सिल्क टच मिली नहीं। सो तुम लोग देखते हो कुछ इस तरह से हो चुका है। बाकी मैं तुम लोग ऊपर से एक बार दोबारा से उड़ के दिखा देता हूँ। सो ये है हमारे लोग की फाइनल लुक। एंड तुम लोग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार जोर से लाइक कर देना भाई, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो मुझे पता। ओके गाइस फिलहाल यही थी आज की वीडियो। एंड ये वीडियो थी मतलब इस मंथ में, मतलब अब मैं अगले मंथ में वीडियो डालने वाला हूँ, बिकॉज मेरे 9th क्लास के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई दिक्कत हो। सो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ, 1 से 2 वीक का जो है ब्रेक लेने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। एंड मैं फुल फोकस करने वाला हूँ स्टडी के अंदर। सो अगर तुम लोग भी वीडियो चाहते हो बीच में अगर होगा तो मैं ट्यूटोरियल वीडियो डालूंगा, बाकी मैं पूरा ब्रेक ही रहने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कुछ हफ्तों बाद। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिल जाएंगे वीडियो में। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर तुम लोग वर्ल्ड की डाउनलोड लिंक चाहते हो, सो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।